आपको बता दें कि बैंकों के 18,000 करोड़ रुपए वापस आए। दो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी है और हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष बताइए, ये क्या पूरा मामला है? जी देखिए, पीएमएलए यानी जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। 200 से ज़्यादा याचिकाएं हैं और कहा गया है कि इसके प्रावधान इतने सख्त हैं कि वो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो सिस्टम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में देश में है, न्याय प्रणाली में, उसके भी वो उल्लंघन में है। तो ऐसे में इन प्रावधानों को रद्द किया जाए, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार डिफेंड कर रही है इन प्रावधानों को और कह रही है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और राहुल चौकसी से करीब 18। बिल्कुल, हम आशीष कर लेंगे। 18,000 करोड़ रुपए वापस आए हैं और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी है। नीरव मोदी, चौकसी और विजय माल्या, मेहुल चौकसी और विजय माल्या ने ये रकम लौटाई है बैंकों को 18,000 करोड़ रुपए की। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, चुनाव चल रहे हैं और ये दृश्य चल रहे हैं, अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। जिस तरह से हम पूर्व कानून मंत्री को सुन रहे थे कहते हुए कि चुनावों के दौरान जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं उसका असर चुनावों पर एक तरह से पड़ता ही है। तो मुझे बताया जा रहा, आशीष जुड़ गए, तो आशीष जरा डिटेल में जानकारी दे दीजिए आप। जी हाँ, तो जिस तरह से पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती दी गई है और यहाँ पर केंद्र सरकार डिफेंड कर रही है, वो बता रही है कि कैसे विजय माल्या, राहुल चौकसी और नीरव मोदी से जो देश बैंकों का पैसा लेकर विदेश चले गए हैं, भाग गए हैं, उनसे 18,000 करोड़ रुपए बैंकों को वापस सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएल एक्ट में कड़े प्रावधान है। उन्होंने ये भी कहा है कि 67,000 करोड़ रुपए के मामले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल लंबित हैं, 47 मामलों की जांच ईडी अभी कर रही है और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी भी केस में ईडी पीएमएलए के तहत कार्रवाई करती है। वो ये बता रहे हैं कि लाखों एफआईआर दर्ज हुई पिछले 5 साल में, लेकिन कुछ सैकड़ों 4700 मामलों की जांच यहाँ पर ईडी ने अपने पास ली है, ये गंभीर मामले हैं। और उन्होंने तुलना भी की है केंद्र सरकार ने कि ऐसा नहीं है दूसरे देशों में, हांगकांग हो चाहे यूके हो, वहां पर बहुत ज्यादा केस इस तरीके के रजिस्टर किए जाते हैं पीएमएलए जैसे धाराओं में और वहां पर कार्रवाई होती है, लेकिन भारत में जो इस कानून के तहत काफी सोच समझ कर कार्रवाई हो रही है। जी